ताज। अब खबरें विस्तार से। टाटा स्टील द्वारा आयोजित जमशेदपुर कार्निवल रविवार को रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन हो गया। टाटा स्टील द्वारा आयोजित जमशेदपुर कार्निवल का रविवार को रंगारंग कार्यक्रम का समापन हुआ। तीसरे व अंतिम दिन कार्निवल में बैग पाइपर की धुन काफी मनमोहक रही। अंग्रेजों के जमाने की इस वाद्य यंत्र अब लुप्तप्राय हो गई है, पर इसकी मधुर ध्वनि सभी को खूब आकर्षित करती है। कार्निवल मेले में साइकिल से भी युवाओं ने करतब दिखाया, जिसे देखने के लिए काफी भीड़ जुट गई। वचन एंड विभाजी जोरदार तालियां इनकी खातिर। सर आपके नीचे हाथ और बहुत ही शिद्दत के साथ परफॉर्म किया इन्होंने और फर्स्ट आलिया इनकी खातिर। कुछ बंदे ले रहे हैं, बहुत मुबारक, बहुत ही मस्त परफॉर्म किया, आपको एंटरटेन किया। भाई बोल लाया हमारे साथ और अब क्या कर रहा है जैसे हम लोग का अभी आर्टिस्ट मिस्टर लेस्ली लुइस पहली बार आ रहे हैं जमशेदपुर में एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू शोकेस जमशेदपुर। मिस्टर आस्था देबू इज ऑल फ्रॉम जमशेदपुर, ही हैज स्पेंट हिज चाइल्डहुड हियर, तो ये मौका है टू द सिटीजंस ऑफ जमशेदपुर गुड सेट ऑफ एंटरटेनमेंट। उम्मीद है कि एवरीवन हैड अ गुड टाइम। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने रविवार कोऑपरेटिव कॉलेज स्थित वज्रगृह का निरीक्षण किया। 23 दिसंबर को मतगणना होना है और स्ट्रांग रूम की ओर सबकी निगाह जमी हुई है। रविवार को उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने तमाम अधिकारियों के साथ रेह का निरीक्षण किया एवं तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने अन्य अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिया। शहर में बहुप्रतीक्षित पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन 25 से 28 गोपाल मैदान में होगा। हार्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा हर वर्ष की इस वर्ष भी शहर के गोपाल मैदान में 25 से 28 दिसंबर तक पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन होगा। सोसाइटी के चेयरमैन रुचि नरेंद्र और जुस्को के अधिकारी कैप्टन धनंजय मिश्रा ने जानकारी दी। घर से पुष्प प्रेमी इसमें भाग लेंगे। पिछले बार ये देखा गया था कि फ्लावर शो में जो एंट्री था वो सिंगल एंट्री था और उसके कारण जमशेदपुर वासियों को थोड़ा बन हुआ था। इस बार हमने दो एंट्री पॉइंट्स रखे हैं, जो ओरिजिनल है हमारा तलवार बिल्डिंग की तरफ वाला वो रहेगा और दूसरा जो नॉवल्टी जो दुकान है उसके तरफ से रहेगा। आप देखेंगे कि फ्लावर शो को अगर तलवार बिल्डिंग की तरफ से हम लोग चलते हैं तो उसको दो भाग में हम लोग ने डिवाइड है। जब आप एंटर करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड आप देखेंगे कि जितना भी हमारा सो कॉल्ड फ्लावर शो है उसके सब अरेंजमेंट्स रहेंगे और दूसरी तरफ नर्सरी स्टॉल्स रहेंगे, डिस्प्ले रहेंगे और हॉर्टिकल्चरल के जितने भी एग्जीबिशंस हैं वो वहाँ पर लगेंगे। टाटा ओपन गोल्फ का रविवार को समापन हो गया। ओम प्रकाश चौहान ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए 12,12,305 का चेक एमडी टीवी नरेंद्रन से प्राप्त किया। टाटा ओपन गोल्फ का को समापन हुआ। मौके पर देश भर से आए शीर्ष गोल्फरों ने भाग लिया था, जिसमें ओम प्रकाश चौहान को टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने ट्रॉफी और चेक प्रदान किया। इस दरमियान मीडिया के लोगों ने भी अपने हाथ में बाद में उन्हें भी पुरस्कृत किया गया। श्री टीवी नरेंद्रन ने कहा कि आगे भी ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन होगा और इससे भी बड़े स्तर से शहर में प्रतियोगिता कराई जाएगी। यू नो इन जमशेदपुर वी ट्राइंग टू
few things and get people out in the open more than before at this time of the year. And I think over the last 3-4 days, we've seen some of that happening with the Jamshedpur Carnival. We have in our midst Mr. Asad Debu, who's a Jamshedpur person who's made him in fame all over the world. Tata Steel के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्र ने कहा कि राज्य में स्थिर सरकार बने तो बेहतर होगा. वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे. मीडिया द्वारा पूछे सवालों पर उन्होंने कहा कि राज्य स्थिर सरकार बने तो सभी के लिए बेहतर होगा, क्योंकि इससे राज्य का होगा जो भी हो स्टेबल होना चाहिए. झारखंड के विकास के लिए काम करना चाहिए. हम लोग इधर में हम बहुत बार बोल चुके हैं, पिछले 5 साल में हम लोग 20,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किया है झारखंड में. और 20,000 हम लोग का कैपेसिटी जो हम लेके गया है 5-6 मिलियन लेके 10 मिलियन तक 22,000 करोड़ का खर्चा हुआ है. ओके, तो हमारे ख्याल में और कोई इंडस्ट्री इतना इन्वेस्ट नहीं. इंडस्ट्री तो कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत प्रो इंडस्ट्री नहीं है, वो हम बोलने नहीं चाहते. जो भी हो, हम कि हम लोग इधर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, झारखंड के विकास के लिए, जमशेदपुर के विकास के लिए. तो हम भी चाहते हैं कि समाज का सहयोग हो और गवर्नमेंट का सहयोग हो. इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक द्वारा आयोजित सम्मेलन के अंतिम दिन देश भर से आए शिशु रोग विशेषज्ञों ने अपनी राय दी और अनुभव बांटा. इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स द्वारा आयोजित सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन देश के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञों ने शिशुओं को होने वाले रोगों और उसके निदान पर अपनी राय दी और अनुभव को भी शेयर किया. इसके अलावा शिशुओं को दिए जाने वाले वैक्सीन पर विस्तार से चर्चा भी किया. आईएपी के वार्षिक सम्मेलन का आज दूसरा दिन है. आज जो मुख्य बातें हो रही हैं वो कुछ वैक्सीन पे बातें हुई, जैसे जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो सर्वाइकल कैंसर के बारे में है उसके बचाव के लिए जो वैक्सीन के बारे में बात हुई. हिंदुस्तान में भी सर्वाइकल कैंसर कैंसर है और उसको बचने के लिए जो वैक्सीन है उसका यूज होना चाहिए.